खबर बाराबंकी जनपद से, जहां पांचवें चरण में विधानसभा का चुनाव होना है। बाराबंकी रामनगर 267 विधानसभा सीट पर जनता किसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनना चाहती है, कैसा है जनता का मूड, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता अनिल कनौजा के साथ रामनगर सीट पर घमासान ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 पर चुनावी महासंग्राम। मैं आज बाराबंकी जनपद के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत किंतूर में पहुंचा हूं। यहां पर काफी युवा हैं, यहां पर काफी लोग एकत्रित हैं। जैसा कि देखा जाता है, यहां पर बाजार भी लगी हुई है, इसी करके यहां पर आना पड़ा कि बाजार में कवरेज की जाएगी। यहां सभी लोग मौजूद रहेंगे। हमारे बीच में कुछ नौजवान युवा साथी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बना रहे हैं। क्या नाम आपका? अरविंद कुमार। ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश में आखिर किसकी सरकार बना रहे हैं, इतना घमासान चल रहा है। हमें सरकार से नहीं मतलब है, हम टेट और बीटीसी पास बेरोजगार हैं, हमें रोजगार से मतलब है। योगी आदित्यनाथ जी ने तो कहा कि 2 लाख रोजगार देंगे, कहाँ पे दिया उन्होंने, कि केवल कागजों पे दिया है। और भी क्या क्या, क्यों आखिर आपको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं? दिक्कतें क्यों नहीं झेलेंगे, हम 9 महीने हमने धरना काटा है लखनऊ में, केवल हमें क्या मिली, लाठियां मिली, हम लोग आतंकवादी कहे गए, बाकी हमारी रोजगार की कोई बात ही नहीं हुई आज तक। और भी हमारे बीच में कुछ लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? ननकू। क्या, किसकी सरकार आप बनाना पसंद करते हैं? समाजवादी की। क्यों, ऐसा क्या कारण? हमारे 2 साल से मेरा धंधा नहीं चला था, जहाँ पर 1000 बेच रहा है 500 बेच रहा है, आधी तो गुंडारी होती। भाजपा तो कहती है सबका साथ सबका, ये झूठ बोलता है। और ये बताइए, आपको गल्ला तो मिलता होगा फ्री? गल्ला 5 किलो था, 1 महीने चल जी है, ऊपरदरी कहाँ सही है। और क्या क्या समस्या, कोई दिक्कत हो रही है? वैसे यही दिक्कत है। और भी हमारे बीच में कुछ लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं। कह रहे हैं कि गल्ले से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्या नाम आपका? अकेल अहमद। कह रहे हैं गल्ले से कोई मतलब नहीं है, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? गल्ला मैं उसकी, योगी बाबा की। क्यों बना रहे हैं योगी मोदी? क्यों, अच्छी चला रहे हैं। कैसे क्यों अच्छी चला? वो तो कह रहे हैं गल्ला नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। 104 दंगे पिछली 5 साल में 104 दंगे हुए। कितने दंगे? 104 दंगे हुए, इसमें कितने दंगे हुए? रोजगार, बेरोजगारी पर बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला। रोजगार जब कोरोना आया है, कोरोना काल चला 2 साल, तो रोजगार कम नहीं होगा? सब पूरे दूसरे भी देश में कम है, खाली यही देश में थोड़े कम। और भी हमारे बीच में कह रहे हैं रोजगार मिला, जैसा कि आपका क्या नाम? सुरेंद्र कुमार। ये बताइए, बोल रहे हैं कि कोई समस्या नहीं हुई, पिछली सरकारों में दंगा हुए, जी हाँ जी, शांति रही सरकार? जी हाँ, देखिए मैं कहना चाहूंगा कि गल्ला जो मिल रहा है, ये नहीं, एक मिनट, गल्ला किसी पब्लिक ने नहीं मांगा है कि हमको 5 किलो गेहूँ या 5 किलो चावल चाहिए, कतई नहीं चाहिए। क्या अगली सरकारों ने फ्री दिया आपको? नहीं, फ्री नहीं दिया, चाहिए भी नहीं। महीने में 2 बार दे, फ्री चाहिए भी नहीं। अगर फ्री देना है इनको तो शिक्षा और रोजगार दीजिए, फ्री देना है तो। अगर जैसे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि सम्मान निधि हम दे रहे हैं, सम्मान निधि किसी को नहीं चाहिए, किसान को चाहिए। अगर दीजिए किसान शिक्षा योजना, किसान के बच्चे को मुफ्त और सस्ती शिक्षा चाहिए। किसान सम्मान निधि तो मिल रहे हैं, किसान सम्मान निधि, 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा बाबा जी करके गए रामनगर। झूठ 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 झूठ, केवल जुमलेबाजी करते हैं। राम मंदिर का निर्माण भी चालू हो गया। एक बात बताइए, आपने राम का नाम लिया, मैं पूछना चाहता हूँ ये बीजेपी वालों से कि भगवान राम क्या श्रीलंका या अमेरिका, क्या इंग्लैंड या हांगकांग में थे जो ये कह रहे हैं मैं लेके आया हूँ? इस पर क्या कहना है जी? खुश नहीं है राम मंदिर निर्माण से? क्या नाम आपका? मेरा नाम संदीप कुमार यादव। किसको समर्थन कर रहे हैं आप? बीजेपी को। ये बताइए, इनकी बात का जवाब दीजिए। ये गलत कह रहे हैं, हमारे गांव में किसको नहीं मिला है, जो योजनाएं आ रही सबको मिला। क्या क्या योजनाएं मिली? अरे आवास जो आए, हिंदू मुस्लिम में दोनों बनी है आवास, कम से कम 200 आवास बनी है। अच्छा, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम में सबको आवास मिल रहे हैं? नहीं, आवास तो मिलते कोई नई बात नहीं है, जब से आजादी भाई जब से आवास मिलती है। लेकिन जिसका खाता है उसका गुणगान? नहीं नहीं, खाना देखिए, इनका कोई मतलब मदद करने की कोई सवाल ही नहीं। नमक भी दे रहे हैं ये चंदा किसी को नहीं चाहिए, और ये तो कोरोना काल की वजह से दे रहे हैं ना। रामनगर विधानसभा में कैसी टक्कर रहेगी? कोई गवर्नमेंट होती वो भी यही करती, रामनगर का एहसान नहीं है। और फिर अपने पास से नहीं दे रहे हैं, यहाँ 20,000 वोट पाएगी बीजेपी, बस इसे आगे जाएगी नहीं। रामनगर विधानसभा में 20,000 वोट, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भाजपा जीत रही, सपा का खाता नहीं खुलेगा। पूरे प्रदेश में बीजेपी का जो है तो मतलब एकदम खत्म है मामला। बाबा ने कहा बुलडोजर, बुलडोजर तो चला रहे हैं, तो सही कह रहे हैं। किस पे चल रहा है बुलडोजर? बुलडोजर जमीन पे चल रहा है, पब्लिक पे चल रहा है। और
भी कुछ साथी हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, हमारे बीच में कुछ और नौजवान हैं। जैसा कि आप किसका समर्थन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार चाहते हैं? आदित्यनाथ योगी का, राम दिनेश हमारा नाम है। क्यों चाहते हैं? हमारे 10-20 बीघा खेत है, 12,000 रुपया दे रहे हैं, मेहनत दो दही गल्ला दे रहे हैं, हम वही से बच्चा जिया रहे हैं। और भी हमारे बीच में कुछ नौजवान साथी हैं, आइए बताइए उत्तर प्रदेश में आखिर किसकी सरकार चाहते हैं? बाबा योगी आदित्यनाथ की। क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हो? गल्ला दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं और 2,000 रुपए समाही सालाना। लेकिन शिक्षा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षा तो हो ही रही है, 2 साल से शिक्षा बंद थी। बंद थी तो कोरोना काल था। और भी हमारे बीच में कुछ साथी खड़े हैं, आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रितेश यादव है। ये बताइए आप उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? हम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ गल्ला दे रहे हैं। अभी एक मेरे चाचा ने कहा था जिसकी वजह से उनका राशन दे रहे हैं, इसलिए उनका बच्चों का खर्चा चल रहा है। अभी हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या सिर्फ खर्चे से उनके बच्चे पढ़ पाएंगे, खाली पेट पाल पाएंगे? उनके बच्चे बड़े होंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, सिर्फ पेट पालने से काम चल जाएगा? अरे हम बीटीसी पेट पास है, हमको रोजगार चाहिए। हम रोजगार पाएंगे ना तो हम। अरे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि रोजगार देंगे। रोजगार कब देंगे? किसी एक भाषण में सुना दो जिसने उन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे। केवल चीनी मिल चालू करने की बात कही, कहा यहाँ भी लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। अरे हम कहेंगे, इससे पहले विधायक शरद अवस्थी ने वादा किया था, जो इस टाइम विधायक है, कि हम जो बुढ़ा सुगर मिल है उसको चालू करेंगे। इतने लोग इकट्ठा, किसी एक आदमी बताए कि मुझे बुढ़ा सुगर मिल चालू हुई है नहीं हुई है? वो सिर्फ झूठे वादे करते हैं। और भी हमारे बीच में दादा हैं, बुजुर्ग हैं, आइए बातचीत करते हैं। काफी बातचीत करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। आइए इस पे क्या कहेंगे कि किसी ने ये वादा नहीं, योगी आदित्यनाथ ने वादा नहीं पूरा किया बता रहे हैं। ये किंतूर गाँव में अगले पंचाले में चंदा ट्रांसफार्मर के लिए चंदा होता था, चंदा जब होता था तो झगड़े होते थे। तीन तीन महीने, दो दो महीने ट्रांसफार्मर नहीं आता था, एक एक महीना नहीं आता था, और चंदे के लिए झगड़े होते थे माननीय पत्रकार जी। और जब से इनकी यह सरकार आई है योगी आदित्यनाथ की, एक फोन नहीं जाता है, 24 घंटे में ट्रांसफार्मर आ जाता है। अखिलेश यादव ने एक मिनट मानिए, 18 घंटे लाइट मिलती, कौन सी सरकार मिलती? घड़ी देखते हैं 8 बजे नहाने के लिए, लोग घड़ी देखते हैं 8 बजे नहाने के लिए, घड़ी देखते हैं कि मैं 8:01 पे मोटर चालू कर दूंगा, नहा लूंगा। हमारे बीच में जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, कहना है अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए कहा है, लेकिन कह रहे हैं कि सरकार जब थी तो 300 यूनिट बिजली क्यों नहीं मिलती थी, 18 घंटे मिलती है। सब झूठ जुमलेबाजी। क्या 18 घंटे आपको बिजली नहीं मिलती? नहीं मिला था, नहीं मिला, सब जुमलेबाजी। अखिलेश यादव पूर्व बहुमत से आए रहे हैं, अखिलेश यादव की सरकार बनी है, अब भर गई, 200 सीट हो चुकी, 200 सीट हो गई अखिलेश की। 12 बंकी जनपद में मोदी जी भी आए हैं, अमित शाह भी आए हैं, योगी आदित्यनाथ, इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं, सब झूठा जुमला। योगी आदित्यनाथ का कि इस बार सपा का खाता नहीं खुलेगा जन। 6 सीट 12 बंकी, ये जुमले बाजन की सरकार गई भैया, रात दिन साल चरावत, रात दिन साल रखावत, 5 किलो गिला भीख देता है या भीख देता है? छुट्टा जानवर से आप एक मिनट, आप अभी लोगों ने कहा कि नौकरी के लिए बाबा जी ने पूरे, लोग कहते हैं नहीं दिया बाबा जी ने नौकरी, लेकिन मैं कहता हूँ बाबा जी ने पूरे प्रदेश को नौकरी दिया, और एक घर से किसी एक घर में 3 को दिया, कहीं 2 को दिया, कहीं 4 को दिया। नौकरी कौन सी दिया मैं बता रहा हूँ, बाबा जी ने नौकरी दिया, लाठी लो खेत को जाओ, पिताजी गए अब उनको बुलाने जाना है तो बच्चा जाए, दो नौकरी, शांत रहो, दो नौकरी। अब अगर बच्चे को बुलाना जाए, आदमी को बुलाने जाए तो उसकी बीबी जाए तो उसका आदमी घर में खाना खाए, तीसरी नौकरी। हर घर से 3-3 नौकरियां दिया है कि खेत रखाओ, साढ़ भैंसा गाय भगाओ, खेत रखाओ, ये नौकरी। अगली सरकारों में क्या था? अगली सरकारों में अगर कोई बंदा कह दे कि इस तरीके से अन्ना जानवर हार में घूम रहे थे, खेतों का नुकसान कर रहे थे, जरा कोई बताए जानवर पे क्या कहेंगे? कौन है छुट्टा जानवर? योगी आदित्यनाथ मोदी ने क्या ऐलान किया? एक ऐलान किया, एक आधार लगाओ 900 रुपए लो, एक जानवर बांधो 900 रुपए लो। अगर 900 रुपए दे रही है गवर्नमेंट, किस बात के लिए दे रही? आप बांध लीजिए ना, सड़कों पर हादसे होते तो आप बांध लीजिए ना गाय,
900 रुपए महीना भी दे रही, आप ही तो छोड़े। 900 रुपए दे रही, क्या कहेंगे 900 रुपए दे रही है। मेरी बात सुनिए, बात 900 रुपए दे रही मानते हैं, इनसे पूछिए किसको देगी ये सरकार 900 रुपए। कहा है ना, हम मेरी बात सुनिए, कहा तो 15 लाख भी देने को कहा था, दिया किसी को ये बताइए। हमारे बीच में कुछ लोग हैं, आइए बातचीत करते हैं। क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हम चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर आए, और जो ये बात कर रहे हैं कि गल्ला की, तो गल्ला में जिससे अगर कोरोना काल ना आया होता तो क्या इसके पहले जो 3 साल जो बीते हैं क्या तब वो फिर दे रहे थे? नहीं दे रहे थे ना, ये बात समझने की चाहिए। क्या गरीब तब नहीं थे? ये जो भाई साहब कह रहे थे कि हम गरीब हैं, हमारे बच्चों को गल्ला मिल रहा है तो उससे हमारे बच्चों का पेट भर रहा है। किसान सम्मान निधि भी तो, किसान सम्मान निधि 2000 देते हैं, हम कहते हमसे 4000 ले ले, योगी हमसे 4000 ले जाए, हमारे तौर हमें योगी आदित्यनाथ जी 4000 ले ले खेत रखा है, इस पर क्या कहेंगे? इनसे पूछा जाए कि आखिर जानवर छोड़ा किसने है? छोड़ा तो किसान ही ने है, तो किसान के अगर खेत नहीं चलेंगे तो किसके खेत चलेंगे? अपना बांध ले, क्यों नहीं बांध ले रहे हैं? रामनगर विधानसभा में जैसा देता है देखा जाता है कि अब यहाँ पर फरीद महफूज किदवाई, शरद अवस्थी, राम किशोर शुक्ला जी और निर्दलीय प्रत्याशी योगी सेवक ज्ञानेश शुक्ला जी भी यहाँ पर मौजूद। आखिर कैसा महसूस हो रहा है कि कितनी कांटे की टक्कर हो रही है? कोई टक्कर नहीं, यहाँ सिर्फ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट यहाँ पर जीत रहे हैं और किसी से कोई टक्कर ही नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि खाता नहीं खुलेगा। अरे सब जुमलेबाजी, इनके पार्टी कोई अगर नेता होता सही बात कोई करेगा, सिर्फ उठे हैं साले, कुछ नहीं, नहीं कोई टक्कर नहीं कहीं। हम टक्कर तो एक मिनट अगर उसकी बात की जाए, गल्ला फिजिक तो अखिलेश ने बताया है कि अगर सरकार बनेगी तो 5 साल लगातार गल्ला देंगे। इससे पहले क्यों नहीं दे रहे? अब इस समय कोरोना काल ऐसा नहीं, कोई व्यवस्था गैस सिलेंडर भी फ्री दे रहे हैं, क्या दिए? तुम खेत में लियो, सारे सिलेंडर उल्टे रखे हैं, कोई सिलेंडर नहीं रखा, टोटल उल्टे रखे हैं। 400 रुपए सिलेंडर, 400 रुपए सिलेंडर, आज 900 रुपए सिलेंडर हो गया। होली में फ्री देने कहा है, दीपावली में फ्री देने कहा है, पहले लाइनें लगती थी, अब तो सिलेंडर घर का खराब नहीं चाहिए किसी से। हम आपको बताते हैं, जिसे इन्होंने कहा था कि बाराबंकी में खाता नहीं खुलेगा, हम बता रहे हैं कि इनके ऐसा कोई नेता नहीं है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सभी लोग यहाँ है, इनके गृह मंत्री इतने पढ़े लिखे अच्छा आए हुए, आइए बातचीत करते हैं। क्या सिलेंडर में रुपया कह लेते हम बनवा पाए सिलेंडर में रुपया कह लेते लेकिन सब्सिडी तो कौन चीज फ्री दे रहे हैं? कौन चीज फ्री दी नहीं, सब्सिडी तो मिल रही है, कहाँ मिल रही है? 1000 रुपए में 30 रुपए आपको गल्ला कोई नहीं मिलता है, कहाँ मिल रहा है? आवास मिला, पैसा दे, शौचालय मिला, कुछ नहीं मिला पहले की सरकार। चलो घर में देखियो कोई चीज बनी होगी, कोई चीज बनी। मोदी जी कह रहे हैं 2022 में घर 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 शौचालय, घर घर आवास होगा, इस पर क्या? हमारे यहाँ क्या बना है? हमारे यहाँ लगातार बने रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए नेशनल खबर 9 पर।